बिहार के जहानाबाद की ऐतिहासिक मगध का हिमालय नाम से लोकप्रिय महमूदपुर अंचल का बड़ावर पहाड़ पर लंबे वक्त के बाद रोपवे का निर्माण शुरू हो चुका है। पहाड़ी एरिया के हथियाबोर में निर्माण कंपनी ने कैंप कार्यालय खोल दिया है, साथ ही पहाड़ी क्षेत्र में लगे जंगल की सफाई हो गई है। पहाड़ी क्षेत्र में निर्माण कंपनी के कामगारों के द्वारा जगह जगह पर पहाड़ को ध्वस्त कर पीलिंग किया जा रहा है। बिहार राज्य पुल निगम ने रोपवे के निर्माण के लिए बंगाल के प्रतिष्ठित कंपनी दामोदर रोपवे निर्माण लिमिटेड को कार्य का जिम्मा सौंपा है। निर्माण कंपनी के कामगार पहाड़ के चिन्हित जगहों पर पत्थर को ध्वस्त कर ड्रिल मशीन के जरिए पत्थर में पीलिंग कर रहे हैं। निर्माण एजेंसी के अनुसार सरकार राशि आवंटन अगर लगातार ऐसे ही करती है तो केवल 18 से 24 महीने में ही रोपवे का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। कंपनी के साइट अभियंता का कहना है कि खुद पहाड़ी एरिया में सुबह से शाम तक रुककर कामगारों से वो काम करा रहे हैं। पहाड़ के नीचे ट्रैक्टर की मदद से कंप्रेसर बनाकर पाइप के सहयोग से ड्रिल मशीन चल रहा है। बहुत जल्द पर्यटक और श्रद्धालु सुलभता से वाणावर पहाड़ का सैर रोपवे के माध्यम से कर पाएंगे और पहाड़ की खूबसूरत वादियों का दीदार भी करेंगे। बता दें कि 16 नवंबर 2019 को राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में रोपवे निर्माण की मंजूरी दी थी। राज्य सरकार इसे ठंडे बस्ते में बीच में डाल चुकी थी, लेकिन तब से यहां आयोजित कई महोत्सव कार्यक्रमों में प्रदेश सरकार के मंत्री जल्द निर्माण कराने का भरोसा देते रहे। वन विभाग के द्वारा कुछ दिनों तक एनओसी नहीं मिलने से योजना अधर में लटकी हुई थी। हालांकि कुछ महीने पहले वन विभाग में रोपवे निर्माण हेतु अपनी मंजूरी और एनओसी दे दिया है, जिसके बाद कंपनी के द्वारा इस रोपवे का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। अब ये भी जानिए कि जहानाबाद में बराबर की गुफाओं, कैमूर में मां मुंडेश्वरी धाम और रोहतासगढ़ के अलावा गया जिले के दुगेश्वरी ब्रह्मयोनी पर्वत और प्रेत शिला पर रोपवे के निर्माण की योजना है। मुख्यमंत्री ने बताया था कि इनके बनने से राज्य की स्थिति समृद्ध होगी, खुशहाली आएगी। नीतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले कहा था कि वो मंदार पर पहले भी आते रहे हैं, यहाँ से नीचे का दृश्य काफी रमणीक लगता है। पहले एक घंटे में लोग पहाड़ पर चढ़ते थे, अब बमुश्किल 4 मिनट लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के कारण रोपवे के निर्माण में कुछ विलंब जरूर हुआ, ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन अब इस रोपवे निर्माण का काम तेजी से शुरू हो चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि अब 1.5 से 2 साल के अंदर में ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि सरकार इसी तरह से पैसे यानी कि राशि का भुगतान करते रहे, ताकि रोपवे निर्माण के इस कार्य में फिर से बाधा न उत्पन्न हो जाए। लेकिन दूसरी ओर अगर हम इसकी सार्थकता की बात करें तो ये रोपवे अगर बन जाता है तो लोगों के लिए ये एक ऐसा पर्यटन स्थल बन जाएगा, घूमने फिरने और सैर करने की एक ऐसी जगह बन जाएगी जो शायद आपने टीवी और सोशल मीडिया पर ही देखा होगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।